mess with me. Do some papers in the lawyer. Khatiya insaan. Tum chal. Okay, tum chal, sala. Hey, sala, kisko? Sala, tumko wala. तो हाँ, ये ड्रामा चल रहा है और यही चीज दिखाने वाले हैं। लेकिन मैं अविनाश के बारे में बात करने से पहले बात करना चाहूंगा विवियन और चाहत पांडे के बीच वाली लड़ाई और रजत दलाल के साथ में जो हुआ था। देखो, जहां तक मेरा मानना है, ये बंदा अपने आप में बहुत चौड़ में चल रहा है, क्योंकि फर्स्ट डे पे ही ये घोषित कर दिया गया है कि ये दोनों फाइनलिस्ट है। और देखो, मुझे प्रॉब्लम इस बात से नहीं है कि इस बंदे को फाइनलिस्ट बना दिया गया है। हर साल यही होता है, बिग बॉस पहले से चुन लेते हैं कि उन्हें किसे जिताना है और किसे हराना है। भले से कोई कितना भी फैंस बना रहा हो, कितने भी वोट्स आ रहे हो, लेकिन एक चुतियापा तो हमेशा चलता है ना, कि जो फिनाले शूट हो चुका है दो दिन पहले, उसके लिए कहते हैं लाइव वोटिंग स्टार्ट हो चुकी है। तो मतलब तुम क्या पास्ट में जा करके टाइम ट्रैवल करोगे और उसके बाद से जिताओगे और फिर हमें बताओगे आपने इसे वोट दिया था। इतने सारी चीजों के होने के बावजूद भी मैं विवियन को कुछ जगह पे सही मानता हूँ। जिस तरह से चाहत पांडे दिखाती है कि उसे कुछ नहीं पता है, वो तो बड़ी मासूम है, बहुत सीधी सादी है, एक बेचारी वाला फेस लेकर के घूमती है और बहुत ही अच्छा सा इमेज बना के चल रही होती है, लेकिन अंदर ही अंदर वो बहुत अच्छा गेम प्ले कर रही है, जिसके बारे में विवियन अच्छे से समझ चुका है। और वो उसकी औकात दिखाना चाह रहा है कि देख भाई, तेरी नहीं चलने वाली, और वो भी मेरे सामने तो बिल्कुल भी नहीं। जिसके वजह से बंदा कहता है किसी और को दाल तड़का चाहिए, किसी और को दाल तड़का चाहिए। जब कोई नहीं कुछ कह रहा होता, फिर भी उन लोगों को जाकर के दाल तड़का दे रहा होता, लेकिन जब चाहत पांडे कहती है मेरे इसमें डालना, उस टाइम पे उस बंदे का रहता है कि प्लीज बोल। और प्लीज बोलने वाला जो सीन था, वो मैं पूरी तरह से सपोर्ट कर रहा हूँ। कोई किसी का काम करने के लिए तो नहीं आया है। आप किसी से कुछ मांगते हो, कुछ बोलते हो, तो उससे रिक्वेस्ट करना पड़ता है। वो रिक्वेस्ट तो बोलो, तुम्हारे टोन में अगर एक हुक्म झलक रहा होता है तो फिर भाई कौन आपका काम करने वाला है। उसके बाद से विवियन जाकर के टॉयलेट के पास में खड़ा होकर के कहता है किसी का कपड़ा अगर रेडी है, नहाने के लिए जाना है तो जा सकता है। वो पीछे पीछे घूम रही होती है, पर उसको कोई रिप्लाई नहीं दे रहा होता। वो बोल रही थी मुझे जाना है, मुझे जाना है। वो बंदा कहता है तुम्हारी बात सुनना मैंडेटरी नहीं है। ये छेड़खानी अच्छा खासा लगा मुझे, लेकिन उसके बाद से मुझे एक चीज नहीं समझ में आई। रजत दलाल हर चीज में आवाज ऊंची करके बात करने को बदतमीजी नहीं समझता, आवाज ऊंची करके बात करने को रूडनेस नहीं समझता है। दूसरा कोई बंदा अपना टोन यूज करता, अपना स्टाइल यूज करता, तो बोलता हाथ तोड़ करके तेरे जेब में डाल दूंगा। भाई रजत की अगर बात की जाए, बहुत ही बुरे तरीके से इस बंदे का सारा चीज बाहर आ रहा है। और अगर इसको देख करके लोग फैन हो जाते हैं, तो यूं समझ लो आपके हर गली में जो है एक गुंडा मिलेगा और बोलेगा ये मेरा स्टाइल है। हाँ पता है भाई, तुम हरियाणवी हो, तुम्हारे अंदर में सॉफ्टनेस नहीं है, तुम्हारे अंदर में दादागिरी भरा रहता है। तुम लोग जितने भी लोग हो, बस मार काट और लोगों को दबाने के पीछे में लगे रहते हो। भले से वो एल्विश यादव हो, लक्ष्य चौधरी हो, जो भी लोग आते हैं भाई, उन सबका यही टोन रहता है, यही एटीट्यूड रहता है, और उनके हिसाब से रहता है कि भाई हमने तो सिस्टम पाड़ दी। तो बेसिकली इन लोगों को लॉ हाथ में लेने में बहुत अच्छा लगता है। उस जगह पे मैं कहीं से भी भाई एग्री नहीं करता हूँ। और उसी टाइम पे जिस तरह से बिग बॉस ने टॉन्ट मारा कि देखो ये अगर विवियन की बात होती तो कोई कुछ नहीं बोल रहा होता, क्योंकि उससे सब डरते हैं, उसकी हाँ में हाँ मिलाते हैं, लेकिन रजत के लिए तो मुझे बहुत बुरा लग रहा है। उसी को सुनते हुए अविनाश ने रिएक्ट करना शुरू कर दिया। बिग बॉस को इन सारी चीजों को करने के बाद भी मसाला पूरी तरह से नहीं मिला, तो उन्होंने एक टास्क डाल दिया कि अभी अगर राशन चाहिए तो किसी दो लोगों को जेल में डालना है, या फिर किसी एक को अभी के अभी घर से एलिमिनेट कर देना है। तो बताओ किसको चुनोगे। हीट ऑफ द मोमेंट में पहुंचती है बात, और उसके बाद से चुम कहती है साला तुझे बोला। ओ भाई, मतलब जो झगड़ा हुआ है उस झगड़े को लेकर के एकदम खींचा गया। तो बिग बॉस ने सोचा यही तो मोमेंट है, इसी वक्त में तो सबको पूछना चाहिए, अभी बताओ किसको घर से बाहर निकालना है। ले, सब के सब गरमाए हुए, 10 लोगों ने मिलकर के वोट कर दिया कि हम तो भाई इसे निकालना चाह रहे, अविनाश को निकाल दो। अब भाई साहब को निकाल देते हैं। जहां तक मेरा मानना है, दो पॉसिबिलिटीज है। एक कि वहां पे कोई सीक्रेट रूम है और उस सीक्रेट रूम में बैठा करके उसके बारे में बातें सुनाई जाएगी। दूसरा कि भाई निकालने के बाद में अचानक से वाइल्ड कार्ड एंट्री हो जाएगी। और अगर ये दोनों ही नहीं होता तो समझो भाई का कार्ड दिया। भाई का जो ट्रैक रिकॉर्ड है कि एक बार शो से निकाले जा चुके थे, चलती शो को छोड़ना पड़ गया था, उनको निकाल बाहर कर दिया था भाई, यहाँ पे भी शायद वही चीज हो रहा है। सो कुल मिलाकर के बात इतनी है कि बिग बॉस न कभी बदला था न कभी बदलेगा, वो अपने हिसाब से जो चाहता है वो करवाता है। इस बार जो है हर चीज डंके की चोट पे खुलेआम। पिछले 3 सीजन से तो यही चल रहा है। बिग बॉस अपने मुंह से कह रहा है कि लोग मुझे कहते हैं बायस हूं, मैं अपने तरह से चलाता हूं, तो हां भाई मैं चलाता हूं, और इस बार भी वही चीज चल रहा है। आपका क्या टेक है इन सारे सिनेरियोस पे, आप कमेंट करके जरूर बताना। और आपके हिसाब से विवियन सही है, अविनाश सही है, रजत दलाल सही है, कौन सही है? वीडियो खत्म करते करते एक चीज कहना चाहूंगा, हर सीजन में एक सीनियर सिटीजन को लाने के बाद उनकी इज्जत करवाना मैंडेटरी है क्या? मतलब कोई भी उसको उंगली नहीं उठा सकता, और उसको जो है हमारे अंकल, हमारे सलमान भाई, वो सीधा बोलेंगे तमीज से बात कर, एक दायरे में रह करके बात करेगा, हर चीज कर सकता है लेकिन दायरे में रह करके। क्यों जरूरी है क्या भाई, तुम इन सारे बचकुंडों के बीच में, इन सारे लड़ाकुओं के बीच में एक सीनियर सिटीजन भेजोगे और बोलोगे देखो इनकी जो है ना इज्जत करनी है तुम्हें, इज्जत में रहने का। सो दैट्स इट, दैट वाज माय ऑनेस्ट ओपिनियन फॉर दिस एपिसोड। आपका क्या टेक है बताना कमेंट करके। यहां तक वीडियो देखने के लिए तहे दिल से धन्यवाद। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहो, मस्त रहो, जबरदस्त रहो।